तो क्या दोस्तों, आप भी अपने मोबाइल को अपने पुराने टीवी के अंदर कास्ट करना चाहते हैं? मोबाइल के अंदर चलने वाले वीडियो पुराने टीवी में देखना चाहते हैं? मोबाइल के अंदर चलने वाले HD चैनल को भी आप टीवी के अंदर देखना चाहते हैं? तो दोस्तों, आखिर किस तरह से कनेक्शन करना है, किस तरह से आप पुराने टीवी को स्मार्ट बना सकते हैं, मोबाइल की स्क्रीन को कैसे टीवी के अंदर देख सकते हैं, HD चैनल कैसे देख सकते हैं, पूरा डिटेल में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। सब्सक्राइब करें JKDisinfo यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए DTH के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हे गाइस, वेलकम टू JKDisinfo यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम मोबाइल को एक डिब्बा टीवी के अंदर चला सकते हैं बिल्कुल आराम से। यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, मेरे पास ये मोबाइल है जिसके अंदर जो स्क्रीन है वो यहाँ पर चल रही है, ये पुरानी वाली डिब्बा टीवी के अंदर। यानी कि ओल्ड टीवी जो होती है दोस्तों, आपके पास CRT टीवी, उसके अंदर किस तरह से आप मोबाइल को कास्ट कर सकते हैं और मोबाइल में चलने वाले सारे एप्लीकेशन, यूट्यूब वगैरह, वीडियो जो भी देखना चाहे वो अपनी टीवी पर कैसे देख सकते हैं, बात करेंगे आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि आखिर किस तरह से हमें इस मोबाइल को बिना वायर लगाए, आप देख सकते हैं यहाँ पर टीवी के अंदर कनेक्ट करके आप गेम खेल सकते हो, वीडियोस देख सकते हो, फोटो देख सकते हो, मूवीज़ वगैरह देखना चाहे तो वो भी आप इसके अंदर देख सकते हो। यानी कि पूरा मोबाइल जो है टीवी के साथ कनेक्ट हो जाएगा। पुराना वाला टीवी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, और इसके अंदर मोबाइल कनेक्ट करके आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरे पास जो फ्री फायर गेम है वो यहाँ पर चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ भी अगर आप वीडियो देखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। सारा कुछ जो है बिना वायर यहाँ पर से कनेक्शन, मोबाइल की स्क्रीन जो कास्ट हो रही है टीवी के अंदर, तो कैसे हो रहा है बात करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप पुराने वाले डिब्बा टीवी को स्मार्ट बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चीज़ें ज़रूरत होगी। तो सबसे पहले दोस्तों, उसके अंदर आपको एक डिवाइस चाहिए होगा जो कि है HDMI to AV कन्वर्टर, जो कि मैंने पहले आपको एक वीडियो में दिखाया था। उसके बाद दोस्तों, आपके पास होना चाहिए एक एनीकास्ट, जिसको आप क्रोमकास्ट, एनीकास्ट जैसे अलग अलग नाम से आपको ये मिल जाते हैं, और इसकी कीमत लगभग 700-800 रुपये से शुरू है। एक आपको चाहिए होगा एडेप्टर, जो कि 5 वोल्ट का मोबाइल का एडेप्टर आता है जो एनीकास्ट को शुरू करा। एक आपको चाहिए होगा AV केबल, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं बेसिक जो कि आपको पुराने टीवी में मोबाइल को चलाने के लिए ज़रूरत है, ठीक है। या फिर आप एक स्मार्ट एंड्रॉयड बॉक्स का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों, इन चीज़ों को यूज़ करके कैसे आपको कनेक्शन करके मोबाइल को टीवी के अंदर देख सकते हैं, चलिए सबसे पहले यहाँ पर से कनेक्शन कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों, टीवी के अंदर ऑडियो वीडियो वाली जो पिन है वो आप ऑडियो वीडियो के अंदर लगा दीजिए। उसके बाद यहाँ पर HDMI to AV कन्वर्टर में जहाँ पर ऑडियो और वीडियो की पिनें लगी हुई है, वहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ पर से आउटपुट के अंदर ये लगा देनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो येलो वाली है वो वीडियो के लिए है, वाइट है वो ऑडियो के लिए है, और जो रेड है वो भी ऑडियो के लिए है। तो यहाँ पर मैंने तीनों कनेक्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पर दोस्तों, हमें जो HDMI है तो वो हमारा एनीकास्ट जो है HDMI आता है, तो HDMI यहाँ पर से आपको लगा देना है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर भी हम कनेक्शन कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से ऐसे कनेक्शन कर लेना है। तो दोस्तों, अब एनीकास्ट को यहाँ पर चाहिए होगा 5 वोल्ट। तो ये 5 वोल्ट हमें मिलेगा ये मोबाइल के चार्जर के अंदर से, ठीक है। तो ये दोस्तों, मेरे पास मोबाइल का जो चार्जर है, यहाँ पर मैं USB इन करके इस प्लग में लगा देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों, जो हमारा एनीकास्ट है वो शुरू हो जाएगा। ये देख लीजिए, यहाँ पर ब्लू लाइट चल रहा है। तो शुरू होने के बाद दोस्तों, आपको टीवी के अंदर जाना है। टीवी के अंदर आपको AV सिलेक्ट कर लेना है, ऑडियो वीडियो, और AV सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर से अपने मोबाइल के स्क्रीन में जाना है। मोबाइल में आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर से ढूंढना है एनीकास्ट का ऑप्शन। कुछ मोबाइल में मिरर, स्मार्ट मिररिंग आता है, कुछ में एनीकास्ट आता है, कास्ट आता है, जो भी आ रहा है वो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर मैं स्मार्ट मिररिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ। स्मार्ट मिररिंग को यहाँ पर से ऑन करना है। ऑन करने के दौरान अगर आपका वाईफाई ऑफ है तो सबसे पहले आप वाईफाई सेटिंग में जाकर वाईफाई को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पर मैं वाईफाई ऑन कर लेता हूँ। वाईफाई ऑन करने के बाद दोस्तों, आप बैक जाइए और वापस एक बार स्मार्ट मिररिंग को ऑन कीजिए। ऑन करने के बाद दोस्तों, आपको नीचे जो है डिवाइस का नाम शो होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनीकास्ट लिखा हुआ है, और टीवी स्क्रीन पर यहाँ पर वेटिंग फॉर कनेक्शन लिख के आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों, हमें डिवाइस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एनीकास्ट पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर से क्लिक करेंगे तो यहाँ पर वेटिंग फॉर कनेक्शन के बाद थोड़ा सा टाइम लेगा कनेक्ट होने में। तो जैसे कनेक्ट हो जाएगा, आपका मोबाइल जो है ऑटोमेटिक यहाँ पर से जो है टीवी के अंदर हो जाएगा कास्ट। आप देख लीजिए, यहाँ पर जो मोबाइल की स्क्रीन है वो टीवी के ऊपर आ चुकी है। तो यहाँ पर दोस्तों, अब मैं जो भी सेटिंग करूँगा, यहाँ पर जिस भी एप्लीकेशन में जाऊँगा,
वो सारा कुछ जो है मोबाइल के अंदर दिखाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर YouTube ओपन करते हैं, यहाँ पर कोई वीडियो चलाते हैं, चले देखते हैं कैसे वर्क करता है। तो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रूफ लाइव, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वीडियो यहाँ पर प्ले कर रहा हूँ बिल्कुल यहाँ पर कोई फ्रीजिंग कटिंग या फिर बफरिंग नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर जो वीडियो प्ले हो रहा है सेम वही वीडियो आपको टीवी स्क्रीन के अंदर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर अपने चैनल को भी सर्च कर लेते हैं यार, तो JKDS Info मैंने सर्च कर लिया है, और अभी तक दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन आपको दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करें चैनल को, और नए नए वीडियो पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। तो यहाँ पर दोस्तों मैं कोई वीडियो एक प्ले कर लेता हूँ आपके सामने, चलिए ये वाला वीडियो मैं प्ले करता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन में, जैसे मैं यहाँ पर से क्लिक करता हूँ सेम आपको जो टीवी स्क्रीन के अंदर आपको ये वीडियो नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो पुराना ओल्ड टीवी है उसके कारण दोस्तों यहाँ पर वीडियो क्वालिटी थोड़ी सही नहीं दिख रही होगी, क्योंकि वैसे ही अगर हम मोबाइल से या फिर कैमरे से वीडियो शूट करते हैं तो पुराने वाले जो टीवी है उसके अंदर थोड़ा बहुत ये प्रॉब्लम तो आता है। बाकी आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी वीडियो आप चलाना चाहे इस तरह से चला सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोबाइल के अंदर जो भी आप करोगे वो सारा कुछ अपने टीवी के अंदर देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके का यूज़ करके आप यहाँ पर से वीडियो देख सकते हो, गेम खेलना चाहे तो गेम खेल सकते हो, बाकी यहाँ पर YouTube वगैरह भी आप आराम से चला पाएंगे इस तरीके से, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम बात करें तो YouTube के अलावा यहाँ पर आप कोई HD चैनल चलाना चाहे तो वो भी बिल्कुल आराम से चला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है मोबाइल के अंदर जिसके अंदर आपको जो TV चैनल है वो देखने को मिल जाते हैं। तो वैसे में यहाँ पर पूरा जो कंट्रोल है आप मोबाइल के टीवी का कंट्रोल जो आपके मोबाइल के अंदर है, व्हाट्सएप चलाना चाहे तो वो भी चला सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि टीवी के अंदर कोई व्हाट्सएप चलाना चाहेगा। बाकी यहाँ पर फोटोज़ देखना चाहे तो वो भी कर सकते हैं आप, यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर आप लैंडस्केप करेंगे तो टीवी में अंदर भी आपको सेम वही फ़ोटो नज़र आएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इस डिवाइस का यूज़ करके आप पुराने टीवी को स्मार्ट बना सकते हैं। तो इसके लिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ डिवाइस चाहिए, तो वो अगर आप ख़रीदना चाहे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक मिल जाएगी, और बाकी अगर आपको एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स ख़रीदना चाहते हैं तो एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स के अंदर भी आपको मिराकास्ट एनीकास्ट नाम से जो है ऑप्शन मिल जाते हैं, मिरर स्क्रीन मिररिंग ऑप्शन मिल जाते हैं, उसे ऑन करके भी आप इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो नेक्स्ट कभी वीडियो में देखेंगे। बाकी यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं मोबाइल की स्क्रीन जो है वो बिल्कुल टीवी के अंदर कास्ट हो रही है, और सही से यहाँ पर जो भी HD चैनल चल रहे हैं वो भी चल रहे हैं, और जो भी यहाँ पर मैं मोबाइल के अंदर कर रहा हूँ वो आपको लाइव टीवी के अंदर देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों आप भी अपने पुराने ओल्ड टीवी के अंदर मोबाइल को कास्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों अगर आपके पास कोई सेटअप बॉक्स है उसके अंदर एनीकास्ट वाला सॉफ्टवेयर है तब भी दोस्तों आप उससे थोड़ा बहुत जो है वो कास्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर लिमिटेड होता है, यहाँ पर पूरा मोबाइल जो है आपका कास्ट हो जाएगा, और इस तरीके का यूज़ करके आप कर मोबाइल को कास्ट कर सकते हो। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से इसका जो कनेक्शन है वो दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप टीवी के अंदर टीवी और AV दो ऑप्शन मिलते हैं, उसके अंदर आप AV कर लीजिए। AV करने के बाद दोस्तों आपका यहाँ पर एनीकास्ट नज़र आ रहा है, तो आपका एनीकास्ट जो है टीवी के साथ कनेक्ट हो गया है, उसको आप मोबाइल में कनेक्ट करना चाहें तो सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि अलग अलग मोबाइल के अंदर अलग अलग जो है नाम से आपको मिलता है, तो यहाँ पर मिरर जो है आप पहले सर्च कर सकते हैं, एनीकास्ट सर्च कर सकते हैं, स्क्रीन कास्ट सर्च कर सकते हैं। तो मेरे यहाँ मोबाइल के अंदर मिरर स्मार्ट मिररिंग लिख के आ रहा है, तो आपको यहाँ पर से सिंपली उसे क्लिक करके जो डिवाइस आपके टीवी के अंदर लगा है वो आप मोबाइल के अंदर शो होना चाहिए, उसके ऊपर आपको क्लिक करके कनेक्ट कर लेना है। इसके अंदर आपका वाईफाई ऑन होना चाहिए, इंटरनेट की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कोई यूट्यूब वगैरह चलाना नहीं चाहते हैं, मोबाइल के अंदर जो भी मूवी पड़े हैं वो अगर आप देखना चाहते हैं तो इसके अंदर आपको इंटरनेट की भी ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एनीकास्ट नज़र आ रहा है, तो ऐसे में आपका डिवाइस का जो भी नाम होगा वो यहाँ पर से आपको नज़र आएगा, और आप सिंपली जो है वो इसे कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो ये है सिंपल तरीका कनेक्ट करने का। बाकी दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि अब अपने मोबाइल को पुराने टीवी के साथ कनेक्ट कैसे करें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं, नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें ताकि आपको आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।